Hello students, welcome back to another video from Vidya Bharati School. In this video, I am going to teach you SST subject of class standard 4. The topic is Northern Mountain. Your second lesson is Northern Mountains. आपने first chapter में the physical division of India के बारे में पढ़ा था. उसमें सबसे first नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तरी पर्वत आते हैं. द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर फर्स्ट हिमालय. हिमालय के नॉर्दर्न हिमालय माउंटेन्स के तीन रेंज हैं, हिमालय, काराकोरम एंड पूर्वांचल नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. एंड इसके बाद हिमालय में तीन रेंज है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. इन सारे को हम लोग पॉइंट्स के रूप में डीलिंग करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिमालय. नॉर्दर्न हिमालय जो है उसमें तीन रेंजेस जाती हैं. द हिमालयन लाइज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. हिमालय भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग तक फैला हुआ है. एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. द नॉर्दर्न हिमालय हैव थ्री रेंज. उत्तरी हिमालय में तीन रेंज हैं, हिमालयन रेंज, और हिमालयन रेंज से ऊपर और भी नॉर्थ जाएंगे तो काराकोरम रेंज, और नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं. वो माउंटेन्स नहीं है बल्कि हिल्स के रूप में है. तो देयर आर थ्री रेंज इन नॉर्दर्न हिमालयाज. हिमालयन रेंज, काराकोरम नॉर्थ वेस्ट हिमालय, पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट हिल्स. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद हिमालयन रेंज. द हिमालयन रेंज कवर द नॉर्थ इन कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश. हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो उत्तर में कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है. एक्सटेंडेड अबाउट 2500 किलोमीटर. यहाँ कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी इसका विस्तार लंबाई में 2500 किलोमीटर तक है. एंड द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इन नेपाल. और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, 8848 मीटर ऊंचा है. एंड द सेकेंड रेंज इज काराकोरम रेंज. काराकोरम रेंज हिमालयन रेंज के और भी नॉर्थ में है, लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालय. हिमालय के नॉर्थ वेस्ट भाग में है और द सेकेंड हाइएस्ट पीक K2, दूसरी भारत में सबसे पहली चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम K2 है और उसका पूरा नाम माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, इसी काराकोरम रेंज में पड़ता है. एंड रिवर सिंधु फ्लो फ्रॉम हेयर. और सिंधु नदी भी इस प्रदेश से होकर गुजरती है. एंड द थर्ड रेंज इज पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्टर्न हिल. पूर्वांचल अरुणाचल प्रदेश यानी कि हमारे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के को कवर करता है. लाइज ऑन नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है. इसमें बहुत सारी हिल रेंज हैं, जैसे गारो रेंज, खासी रेंज, जयंतिया, नागा एंड मिजो. गारो, खासी, जयंतिया, नागा और मिजो इस ये प्रमुख रेंज नॉर्थ ईस्टर्न हिल पूर्वांचल में है. लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में होता है फैला हुआ है, जिसे सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है. एंड नाउ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन हिमालयन रेंज. द हिमालयन रेंज डिवाइडेड इंटू थ्री अल्टरनेट रेंज. हमारा हिमालय तीन रेंज में बटा हुआ है. पहला ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, दूसरा मिडिल हिमालय या हिमाचल, और तीसरा आउटर हिमालय या शिवालिक, जिसमें ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंचा जो है वो ग्रेटर हिमालय है. द हिमालयन रेंज इंक्लूड थ्री पैरेलल रेंज. द फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं. द हाइएस्ट रेंज, ये सबसे ऊंचा रेंज होता है जो 5000 से 8848 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है, क्योंकि 8848 माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पॉइंट है. हाईएस्ट पीक इन इंडिया कंचनजंगा 8,000
1598 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, और स्नो कवर्ड पीक्स। और इस हिमाद्री में आने वाले जितने भी रेंजेस यानी पर्वतों की श्रेणियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। मेनी ग्लेशियर्स स्लो मूविंग आइस ब्लॉक्स फ्लो फ्रॉम दिस रेंज। बर्फ की नदी जिसे कह सकते हैं इन रेंजेस या हिमाद्री से होकर बहती है, जिसमें से दो प्रमुख हैं, गंगा फ्लोज फ्रॉम गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, यमुना फ्लोज फ्रॉम यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है या बहती है। एन इम्पॉर्टेंट पास इज सबसे प्रमुख यहाँ का दर्रा जो है, पास यानी दर्रा, दर्रा उस स्थान को कहते हैं जहां से होकर दो पहाड़ों के बीच आवागमन किया जाता है, इज इम्पॉर्टेंट पास। जोजिला पास, जोजिला दर्रा हिमाद्री का सबसे इम्पोर्टेंट पास है। एंड सेकेंड इज मिडिल हिमालया और हिमाचल। मिडिल हिमालया जो है लाइज इन द मिडिल ऑफ हिमाद्री एंड शिवालिक रेंज। ये हिमाद्री जो सबसे ऊंचा है रेंज और शिवालिक जो नीचा रेंज है, इन दोनों के बीच में पड़ता है, अबाउट 5000 मीटर टू 2000 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। मेनी हिल स्टेशन एंड वैली लोकेटेड इन दिस रेंज। बहुत सारे हिल स्टेशन और घाटियां इस रेंज में स्थित हैं। वैली यानी घाटी, कौन कौन सी घाटियां हैं? कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, इट इज एंड हिल स्टेशन। हिल स्टेशन उस स्थान को कहते हैं जब उत्तर भारत में बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं तो वे ठंडे स्थानों पर प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करने या घूमने हिल स्टेशन की ओर जाते हैं। तो वे प्रमुख हिल स्टेशन हैं शिमला, मनाली, डलहौजी, अल्मोड़ा, नैनीताल आदि। और हिमाचल जो है कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार पाइन्स ओकेटीसी। चूंकि यहाँ बर्फ से भरी हुई चोटियां दूर से नजर आती हैं, इन पर बर्फ कम होता है, इसलिए यहाँ घने जंगल हैं। उसमें देवदार के पेड़, पाइन के पेड़, ओक के पेड़ आदि प्रमुख हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं और पेड़ भी नुकीले होते हैं। क्लाइमेट इज गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल्स, पियर्स, आलमंड, प्लम एटीसी। और हिमाचल की जो जलवायु है यहाँ फलों को उपजाने के लिए बहुत ही उत्तम है, जैसे यहाँ सेब के बागान, पियर यानी नाशपाती, आलमंड यानी बादाम और प्लम बेर आदि के बागान बहुतायत से हैं। इम्पॉर्टेंट पास, पास जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ए रूट थ्रू ए माउंटेन रेंज, पहाड़ की श्रेणियों के बीच से वो रास्ता जिससे होकर लोग गुजरते हैं उसे माउंटेन पास कहते हैं। तो हिमाचल रेंज में जो इम्पोर्टेंट पास है वो शिपकिला और रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला जो अरुणाचल प्रदेश में है, एंड नाथुला सबसे इम्पोर्टेंट है जो सिक्किम में है। एंड द थर्ड रेंज इज आउटर हिमालय और शिवालिक। ये हिमालय की श्रेणी के सबसे कम ऊंचाई वाले रेंज हैं, जिन्हें शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। लाइज साउदर्न मोस्ट ऑफ हिमालय रेंज, ये हिमालय रेंज के सबसे दक्षिण भाग में है। मोस्टली हिल्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ज्यादातर ये पहाड़ियों से ढके हुए हैं जिनमें घने जंगल और उसमें बहुत ज्यादा जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। पीपल इन द शिवालिक प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग एंड ग्रो वीट, मेज, सुगर केन एंड फ्रूट्स, इट इज ही। और शिवालिक श्रेणी के जो लोग हैं यहाँ पहाड़ियों पर काट करके मैदान की तरह चपटी जमीन बना देते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं जिसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं, और वहाँ गेहूं, मक्का और सुगर केन और बहुत सारे फल उगाते हैं। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमालय प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। हिमालय उत्तर एशिया की ओर से या मध्य एशिया के आने वाले ठंडी हवाओं से हमारे देश की सुरक्षा करता है। यही कारण है कि हमारा देश बहुत ही हरा भरा और उपजाऊ है। दे एक्ट एज ए बैरियर फॉर द रेन एंड काउज हैवी रेन इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये हिमालय पर्वत जो है हमारे दक्षिण भारत से जो तीन सागर हैं, महासागर हैं, उधर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक करके बारिश करवाता है, जिससे भारत के मैदानी भागों में भारी वर्षा होती है और जिसके कारण वे बहुत ही उपजाऊ हैं। हिमालयन फॉरेस्ट आर ग्रेट सोर्स ऑफ वैल्युएबल टिम्बर, मेडिसिन एंड मेनी यूजफुल थिंग्स। और हिमालय पर जो जंगल हैं, जो हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों में हैं, उनमें बहुत ही कीमती लकड़ियाँ
और औषधि के लिए औषधि बनाने के बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारी उपयोगी चीजें प्राप्त होती हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल होम फॉर वाइल्ड लाइफ, और पहाड़ों पर जो जंगल हैं वो वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होते हैं, और इसलिए वहां वन्य जानवर जंगली जानवर बहुत आयत से पाए जाते हैं। हिल स्टेशन एंड होली प्लेसेस अट्रैक्ट टूरिज्म। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, हिमाचल सरनी में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे पवित्र स्थान हैं, पूजा के स्थान हैं, वो टूरिस्ट लोगों को आकर्षित करते हैं, और इसलिए प्रतिवर्ष लोग बहुत संख्या में वहां घूमने जाते हैं। तो द चैप्टर नॉर्दर्न हिमालयाज आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।